एक अंधे पति और पत्नी की प्रेम कहानी, हस्बैंड वाइफ लव स्टोरी इन हिंदी। दिनेश और संगीता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी जीना चाहते थे। दोनों पढ़े लिखे थे और दोनों की जात भी एक थी, इसलिए दोनों ने कुछ साल बाद शादी कर ली। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। संगीता बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए दिनेश ने उसे और भी प्यार करता था। रोग हो गया, अब वह पहले की तरह सुंदर नहीं लगती थी। वह मन ही मन में यही सोचती थी, कब दिनेश मुझसे प्यार नहीं करेगा। लेकिन दिनेश तब भी उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन दिनेश ऑफिस से घर आ रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने संगीता को बता दिया कि वह अब देख नहीं सकता है। नया सवेरा, एक अशिक्षित गांव की कहानी। यह सुनकर संगीता बहुत ही दुखद हुई और खूब रोने लगी। लेकिन दिनेश ने उसको समझाया कि इसमें रोने की बात क्या है, मैं तुमको पहले से भी ज्यादा प्यार करूंगा और अब मुझको तुम्हारा चर्म रोग भी नहीं दिखेगा। अब दोनों एक साथ रहते और बहुत ही खुश रहते थे। एक दिन संगीता की तबीयत बहुत ही खराब हो गई और वह हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़ चली गई। दिनेश खूब रोया और रो रो कर बीमार हो गया। लेकिन जब वह ठीक हो गया तो फिर से सब कुछ देखने लगा। तभी उसका एक दोस्त मिला और पूछा, अरे भाई, तुम तो अंधे हो गए थे ना, फिर कैसे सही हो गए? दिनेश की आंखें नम थीं। उसने बोला, मैं अंधा नहीं था, मैं अपनी पत्नी के लिए यह ड्रामा कर रहा था। जब उसको चर्म रोग हो गया था तब उसको लगता था कि वह अब पहले की तरह सुंदर नहीं है। इस बात से वह बहुत ही उदास रहती थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अंधा बन जाऊं ताकि वह हमेशा खुश रहे। मैं जानता था कि वह अब जी नहीं पाएगी, इसलिए खुशियों के लिए यह सब करना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही बोलूंगा कि सब लोगों को दिनेश जैसा अच्छा पति और संगीता जैसी पत्नी मिले।